फ्रेंड्स, मुसीबत है कि सपना के परिवार का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। व्यूअर्स भले ही लाख दुआ क्यों ना करें, पर पता नहीं क्यों सपना के परिवार में किसकी नज़र लग गई कि एक के बाद एक मुसीबत है कि सपना का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पहले राजवीर चौधरी के साथ ये हुआ, उसके बाद परिवार धीरे धीरे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था कि सपना की तबीयत और सपना की सास की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मम्मी देखना, से पूछ रही हो क्या हो गया है माँ को। हाल ही में हमने देखा दोस्तों कि सपना की सास की अचानक इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि उनको हॉस्पिटल तक एडमिट करवाना पड़ा। सपना बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि घर में कोई संभालने वाला नहीं था सिर्फ उनके ससुर जी के सिवा। और अच्छी बात तो ये है कि उस दिन से उनके ससुर जी का जो जॉब था उनका ऑफ था, वो घर में थे, इसलिए सपना को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया। सपना के ससुर जी बहुत जल्दी सपना के सासू माँ को हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर डॉक्टर ने उनको तुरंत एडमिट कर लिया और बहुत सारे टेस्ट करवाए उनके शरीर का कि ताकि उन पता चले कि एक्चुअल में उनको क्या बीमारी है। पता चला दोस्तों कि उनको ना हजम नहीं हो रहा था, उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिन पहले भी सपना की सासू माँ की तबीयत इसी वजह से ही ख़राब हुई थी, क्योंकि उनको गैस की प्रॉब्लम थी। कहा जा रहा है दोस्तों सपना की सास की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनको ड्रिप तक चलाना पड़ा और एक दिन की जगह उनको डेली हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़े। हर दो दो दिन में सपना के जो ससुर जी है उनको लेके हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और उनको एक एक घंटे दो दो घंटे बॉटल्स वगैरह चला रहे थे, क्योंकि सपना की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी।